वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। आज का ये जो ब्लॉग है, आई एम गोइंग टू कवर 2 BHK ऑफ सेक्टर 150 नोएडा। प्रोजेक्ट है अंतरिक्ष गोल्फ सिटी। मेन अगर मैं प्रोजेक्ट की USP की बात करूँ तो एक ऐसी लोकेशन जो 150 के बिल्कुल एंट्रेंस पर ही आ जाता है। इस 650 एकड़ की डेवलपमेंट में अगर आप ऐसे देखोगे तो टोटल 25 से 30 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, बट ये जो अंतरिक्ष वाला जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्टिंग के 3 से 4 प्रोजेक्ट बाद ही आ जाता है। इसके जो मेन USP एक और भी है कि जो आपका 42 एकड़स का भगत सिंह पार्क जो आप मेरे बैक साइड में देख रहे हो, पूरा का पूरा पोर्शन है 42 एकड़ के भगत सिंह पार्क के बिल्कुल अपोजिट का ये पोर्शन आता है। एक प्रोजेकट डिस्क्रिप्शन की बात कर ले, टोटल ये 20 एकड़ का लैंड पार्सल है। 20 एकड़ में डेवलपर को 10 एकड़ का गोल्फ कोर्स बनाना एज पर अथॉरिटी स्पोर्ट्स सेक्टर्स प्लान, एंड देन 10 एकड़ में इनका ये पूरा प्रोजेक्ट अलॉन्ग विद एमिनिटीज एंड विलास का कॉन्सेप्ट आता है। रतन कुंज आपके लिए लेकर आया है लकी ड्रॉ कॉन्टेस्ट। कॉन्टेस्ट में पार्ट लेने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और जीतें बेहतरीन इनाम। हमारी पूरी टीम की तरफ से इस मंथ के 5 भाग्यशाली विजेताओं को हार्दिक बधाई। आप भी लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें। लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आप भी भाग्यशाली विजेता बने। धन्यवाद। अब हम चलते हैं साइट के अंदर। इफ यू टॉक अबाउट द कॉन्फ़िगरेशन, तो डेवलपर के पास जो साइजेस हैं स्टार्टिंग विद द 2 BHK 1050 स्क्वायर फीट में 2 BHK आता है, देन 1260 स्क्वायर फीट अगेन फॉर 2 प्लस स्टडी, देन 1475 स्क्वायर फीट दैट इज 3 बेडरूम प्लस 2 टॉयलेट, एंड देन 1665 दैट इज 3 बेडरूम प्लस 7 का कॉन्सेप्ट आता है। तो लाइक मल्टीपल साइज आपको मिल जाते हैं इसमें, 2 BHK 2 प्लस स्टडी, 3 BHK कॉम्पैक्ट सेगमेंट एंड 3+1 का भी कॉन्सेप्ट आता है। तो आज का इस ब्लॉग में मैं आपके 2 BHK का एक बिल्कुल रेडी टू मूव इन टाइप का 2 BHK आपको एक सैम्पल मैं दिखा रहा हूँ। सैम्पल के कस्टमर ने ऑलरेडी उस फ्लैट को रेडी किया हुआ है एक आइडिया के लिए कि 2 BHK का जो लेआउट्स है वो काफ़ी डिसेंट है। इसके व्यू जो है काफ़ी प्रीमियम आप कह सकते हो, क्योंकि पूरा 42 एकड़ का भगत सिंह पार्क आपको दिखता है इसके 2 BHK की बालकनी से। बालकनी सो स्पेसियस, 17 फीट के आसपास की लेंथ की बालकनी जाती है। 2 BHK के कॉम्पैक्ट में एक अच्छा लेआउट डिज़ाइन किया हुआ है, प्लस जो इंटीरियर वर्क इन्होंने कराया हुआ है वो इंटीरियर वर्क काफ़ी डिसेंट है। तो एक बार उसका मैं आपको टूर कराता हूँ। एंड इस प्रोजेक्ट में कुछ ऐसे भी टावर्स हैं जो रेडी टू मूव इन है, तो यहाँ पर आपको रेडी टू मूव इन का भी कॉन्सेप्ट है, अलॉन्ग विद ऐसा भी कॉन्सेप्ट है जो साल भर बाद, 6 महीने बाद, 1.5 साल बाद आपको पोजीशन मिलेगा, उसमें कुछ अट्रैक्टिव प्लान आपको ऑफर कर सकता हूँ। तो आई हैव ऑल दी ऑप्शंस, इधर यू आर लुकिंग फॉर रेडी टू मूव इन अंडर कंस्ट्रक्शन, या फिर आप टाइम एक फ्रेम ले कर चल रहे हो, मुझे 1.5 साल 2 साल बाद की रिक्वायरमेंट है, तो कहीं ना कहीं दोनों ही ऑप्शन इसमें आपको मैच करते मैं आपको दे सकता हूँ। ये आप जो देख रहे हैं 2 BHK का एंट्रेंस के बिल्कुल साथ में जब हम एंटर करते हैं, दिस इज योर लिविंग एरिया। एंट्रेंस के साथ में आपका आता है सीधा सीधा लिविंग एरिया, लिविंग कम डाइनिंग एरिया। इसके अलावा इन्होंने TV वगैरह की जो पाइलिंग वगैरह करी हुई है वो काफ़ी प्रीमियम फील दे रहा है। ओवरऑल जो इंटीरियर वर्क है इसे काफ़ी ये बड़ा फ्लैट लगता है। आपके डाइनिंग एरिया से लगी हुई जो पोर्शन आता है आपके किचन का आता है, किचन का जो साइज है दैट इज 9x6। तो इस 9x6 के किचन में भी इन्होंने काफ़ी प्रीमियम फिटिंग्स का इन्होंने यूज़ किया हुआ है। टोटल आपको 2 बेडरूम मिलते हैं 11x10 के साइजेस में एंड 12x10 के साइजेस में। दोनों बेडरूम का जो साइज़ है वो 2 BHK के हिसाब से काफ़ी बढ़िया साइज़ है। हर बेडरूम से आपको बालकनी भी मिलता है, विंडो भी मिलती है, और वार्डरोब का जो स्पेस है वो भी आपका सेपरेट मिलता है। तो ओवरऑल आपने ये 2 BHK कॉन्फ़िगरेशन देखा, जो कंप्लीट एक फ्लैट जो रेडी हो चुका उसको मैंने दिखा दिया। अगर आपको कोई भी रिक्वायरमेंट्स होती है इस 150 की लोकेशन में लेने के लिए, 2 BHK आप देख रहे हो या 3 BHK देख रहे हो, दिस कैन ऑल्सो बी गुड प्रोजेक्ट एज वेल। अगर आप भगत सिंह पार्क के अपोजिट की प्रॉपर्टी देख रहे हो तो, या परचेज करना हो उसके लिए, आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। सी यू नेक्स्ट ब्लॉग। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे लेटेस्ट वीडियो आप बिल्कुल मिस ना करें, उसके लिए इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वैसे आपका कोई सुझाव हो या कोई बात आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमारा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।